नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में आप सभी को फोन से होने वाले शारीरिक और मानसिक नुकसान के बारे में बताने वाला हूं तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी को मिस ना कर पाएँ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान यही है दोस्तों कि की ज़्यादा पौन देखने से दिमाग का सुकौड़ा हो जाता है मतलब दिमाग सकूड़ने लगता है क्योंकि दिमाग में एकदम जोर पड़ता है आप यदि पौन देखते हैं तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी पर दिमाग सारी जगहों से हट के सिर्फ एक ही जगह पे दिमाग मन लग जाता है आप लोगों ने यह चीज़ महसूस की होगी कि आप लोग जब भी पौन देखते हैं तो सारी जगहों से मन हट के एक जगह पर मन लग जाता है चाहे आप कितने ही बिज़ी हों फिर भी आप लोग उसी में दिमाग लगाने लगते हैं इसलिए दिमाग इतना ज़्यादा एकाग्र हो जाता है कि उनका सिकुड़ना सिकुड़ने लगता है यदि दिमाग का टाइम छोटा हो तो और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और दोस्तों सेकंड में अपन नुकसान की बात करें तो सेकंड नुकसान होता है कि जैसे कि आप लोग पौन देखते हैं तो पोर्न में अलग अलग प्रकार के पोजेज और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि रियल रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाती जैसे कि पौन में बहुत सारे पोज और लड़कियां इतनी तेज तेज आवाज निकालती हैं मतलब उनको इस प्रकार से बनाया जाता है कि लोगों को इनको देख के बहुत अच्छा लगे और वो उसकी और आकर्षित हों बट यदि जो लोग ज़्यादा पोर्न देखते हैं वो लोग अपनी रियल लाइफ में भी इसको अपनाने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर के साथ इसको करने की कोशिश करते हैं बट ये रियल लाइफ में मैं बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती तो उस 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 स्थिति में जो भी ज़्यादा पोर्न देखता है तो अपने पार्टनर से वो असंतुष्ट रहता है इससे आपके वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में भी फ़र्क पड़ सकता है ज़्यादा पोर्न देखने से जो दिमाग रहता है वो उसी चीज़ के बारे में सोचने लगता है जैसे कि आप लोगों ने ये चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं हम उसी के जैसे बन जाते हैं तो वैसा ही होता है दोस्तों वैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि पोर्ण को इस प्रकार से भड़काऊ बनाया जाता है और आकर्षित बताया जाता है कि सारे लोग उसी से आकर्षित होते हैं तो इसी हिसाब से ये होता है कि जब दिमाग में ये सारी चीज़ें चलने लगती हैं तो लोगों के मन में रेप जैसे भयानक थाट भी आने चालू हो जाते हैं इसलिए भारत सरकार ने पोर्ट को बैन भी किया है आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ज़्यादा पोर्ण देखने से ऑक्सीटोसिन नामक दिमाग का एक हार्मोन होता है वो भी कम हो जाता है ये इसके कम होने की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा पौन देखता है तो वो इस हार्मोन्स को दूसरा नाम लव हार्मोन्स भी कहते हैं जो भी व्यक्ति ज़्यादा पौन देखता है तो वो अपने पार्टनर के साथ उसी प्रकार से सेक्स से करने की उम्मीद करता है और जब वो उसी प्रकार से सेक्स करने लगता है तो ये हार्मोन बहुत कम होने लगता है और इस हार्मोन की कमी से शरीर में असर पड़ने लगता है जिससे हमको हल्का सा चिड़चिड़ापन भी आने लगता है अपने पार्टनर के साथ कुछ भी करने में थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी आने और देखने से होने वाला नेक्स्ट नुकसान ये है दोस्तों कि जो लोग ज़्यादा पोर्न देखते हैं वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते टाइम यही सब करने के लिए कम टाइम में बहुत ज़्यादा पोजेस ट्राई करते हैं इससे के बीच में ये होता है कि वो फुर प्ले को बिल्कुल ही भूल जाते हैं फुर प्ले में इन दोनों पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है ये पर, पुराने टाइम से चले आ रहा है इसके बाद इसके बाद और भी नुकसान है दोस्तों जैसे कि पोर्न दे जो लोग ज़्यादा पोर्न देखते हैं वो फर्स्ट फर्स्ट में अपने आप को उत्तेजित करने के लिए पोर्न का सहारा लेते हैं पर धीरे धीरे यह आदत बन जाती है और वो प्राकृतिक रूप से उत्तेजित होने में असफल हो जाते हैं ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान आया है दोस्तों और पोर्न देखने से समाज में भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है अवैध संबंध ये सारी चीज़ें पोर्न से ही निकल के आते हैं क्योंकि पोर्न में इस प्रकार की स्टोरी हमको दिखाई जाती है कि बहुत सारे रिश्तों को ताजार कर दिया जाता है पोर्न के अंदर तो जब हम लोग ज़्यादा पोर्न देखते हैं तो यही सब दिमाग में चलता है और अवैध संबंधों के बारे में भी हमारे दिमाग में चलने लगता है इससे समाज में बहुत ज़्यादा नुकसान आता है और जो रिश्ते रहते हैं वो भी जल्दी से ख़राब हो जाते हैं पोर्न देखने से अगला नुकसान ये है कि बहुत ज़्यादा लोग हस्त महसून करने लगते हैं और एक टाइम के बाद हस्त महतून उनकी आदत बन जाती है ये फर्स्ट में पोर्न से ही स्टार्ट होती है उसके बाद देर धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है आदत हो जाने के बाद उनके शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो ये सारे नुकसान है दोस्तों मैं मानता हूँ पोर्न देखना एक बीमारी के रूप में भी देखा जा सकता है मतलब ज्यादा पोर्न देखना एक बीमारी के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि हम सब लोग यही बोलते हैं कि किसी भी चीज को ज्यादा नहीं करना चाहिए यदि आप लोग इसको आप लोग ऐसा कुछ करते हैं तो आप लोग इसको छोड़ सकते हैं और यदि छोड़ नहीं सकते तो धीरे धीरे अपनी लाइफ से इसको कम कर दीजिए क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़्यादा करना सही नहीं रहता यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें यदि जानकारी कोई भी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं किस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊँ आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद